नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। घर के अंदर घुसकर मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सखा राम कश्यप पिता स्वर्गीय सुंदरलाल कश्यप उम्र 55 वर्ष साकिन कैथा का थाना का उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी द्वारा अपने भैया ध्वजा राम कश्यप व उसका काम करने वाले रोशन कश्यप पिता साहेबलाल कश्यप के द्वारा दोनों अपने हाथ में डंडा लेकर प्रार्थी के घर में घुसकर अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी मारपीट कर चोट पहुंचाए हैं कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 506, 323, 452, 34 भारतीय दंड विधान कायम कर आरोपियों का लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जो लंबे समय से लगातार फरार था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल सोनी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय चंद्रपुर डबरा श्री बी एस खुटिया द्वारा मामले में प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही करने आदेश दिया। निर्देश प्राप्त होने पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर लगाया गया था, जो मुखबिर से पता चला कि आरोपी ध्वजा राम कश्यप उसका काम करने वाला रोशन कश्यप पिता साहेबलाल कश्यप अपने घर आया हुआ है, जिस पर आरोपियों की घेराबंदी कर आरोपी पहला ध्वजा राम कश्यप पिता सुंदरलाल कश्यप उम्र 68 साल, दूसरा रोशनलाल कश्यप पिता साहेबलाल कश्यप उम्र 21 साल साकिन कैथा थाना हसौत को पकड़कर आज दिनांक 20/4/2022 को गिरफ्तार करने के रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त मामले की कार्यवाही में उप निरीक्षक योगेश पटेल, थाना प्रभारी हसौत, सहायक उप निरीक्षक पुष्पेंद्र मल्होत्रा, आरक्षक मिरीश साहू, चेतराम पटेल, घनश्याम टंडन, सहदेव यादव, अरुण चंद्र का विशेष योगदान रहा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।